तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ तो मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ का यात्रा में। तो आप लोग अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, खास करके धनबाद में। पूरा कोयला का ये क्षेत्र एरिया है, पूरा बहुत ही ज़्यादा गर्मी गिरता है यहाँ पे। दोस्तों ट्रैवलिंग करना गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता है बाइक से, खास करके क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसीना गिरता है दोस्त, पूरा भींग जाते हैं हम लोग। देखो ये देखिए क्या हो रहा है, सब नेता लोग अभी खड़ा है। यहाँ हमेशा होते रहता है कार्यक्रम बिस्सल लोग का, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। ये पूरा चारों तरफ कोली क्षेत्र का एरिया है, चारों तरफ कोयला ही कोयला मिलेगा आपको। किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कोयला कैसे डंप होता है, किस तरह से कोयला निकलता है। साला जहाँ तहाँ ये लोग डंपर खड़ा कर देता है रोड में, रोड पूरा जाम हो जाता है। देखिए रोड भी किस तरह से बना रखा है, मतलब एक तरफ नीचाव एक तरफ चढ़ाव। रोड जब बनाना है तो पूरा अच्छे से बना दो रोड, ताकि तकलीफ ना हो। अभी गाड़ी में भी मॉडिफाई करवाना है दोस्तों, पूरा लेमिनेशन करवाना है टंकी को भी, क्योंकि ये जो रॉयल ब्लू गाड़ी है क्योंकि इसमें धूप से थोड़ा कलर उड़ सकता है, और इसी के लिए लेमिनेशन भी करवाना है हमको। टाइम नहीं मिल रहा जाने के लिए, क्या करें यार, टाइम निकालना पड़ता है, प्लस जॉब है, घर में पूरा काम भी लगा हुआ है, तो सारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं टाइम से। लेकिन टाइम निकाल के जाना पड़ेगा हमको, सारा करवाना है। लेग गार्ड वगैरह तो लगवा लिए हैं कल, देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। आस्ते आस्ते सारा मॉडिफाई भी करवाना है बाइक को। बीच में चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं कनेक्ट ना हो जाए, तो कनिया रात में देख लेंगे आकर के। अरे तभी टाइम है यार, ड्यूटी का भी तो टाइम हो जाता है, तुमको बोले तो जल्दी चलने के लिए तुम लेट कर दिया, क्या करें। एक दिन में आधा घंटा घंटा पहले निकलना पड़ेगा घर से, तभी सारा कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि टाइमिंग हमारा थोड़ा सा ड्यूटी का अल्टर है, 11 बजे से ड्यूटी जाना पड़ता है, तो कुछ नहीं कर पाते, आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है जाने के लिए, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से मेरा ऑफिस, थोड़ा टाइम लग जाता है, घर का भी काम रहता है प्लस अपना भी काम रहता है, तो उतना कर नहीं पाते हैं। मुश्किल तो है भाई राइडिंग करना, क्योंकि हर काम आसान तो है नहीं। और आप लोग जैसे दोस्तों चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं, 1000 हमारे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर दिए हैं आप लोग। यहाँ पे सारा ओपन कास्ट, इसी दिन आप लोगों को ले जाकर वो भी वीडियो दिखा दूंगा एक, किस तरह से कोयला निकलता है हमारे पास, हमारे क्षेत्र में, इसी को बोलते हैं धनबाद कोल माइंस, जो काला हीरा के नाम से फेमस है हमारा धनबाद। अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो आप लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लेंगे मूवी, तो पूरा समझ जाएंगे कि किस तरह से पहले कोयला निकलता था। भाई गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम रॉयल फील होता है, रॉयल लगता है कि कुछ चला रहे हैं,
बात था BMW का, तो BMW को ना लेने के पीछे कुछ रीज़न था, क्योंकि जो उसका जो पैर का जो थोड़ा सा चलाने में लंबा टूर में बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लग रहा था। तो जब हम चलाए थे करीबन 40 किलोमीटर के आसपास चलाए होंगे BMW, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा पैर था वो दर्द करने लगा था, मुड़ जा रहा था पूरा। और ये है कि एकदम रॉयल फील्ड जैसा बहुत ही मज़ा चलाने में आ रहा है, एकदम आराम से, एकदम पैर भी बहुत ही अच्छे से रखने में बन रहा है गियर में, ब्रेक भी। और गाड़ी भाई भागता भी बहुत ही ज़्यादा है, हल्का सा स्लेटर रहते हैं एकदम तुरंत 40, 50, 60 एकदम भाग जाता है। ये सब के लिए चाहिए रोड एकदम पूरा प्लेन हाईवे। मज़ा आता है दोस्तों चलाने में बाइक, लंबा रूट में तो और भी मज़ा आएगा चलाने में, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जो इसका साउंड है ना भाई साहब, गजब का साउंड है इसका, जब डुक 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 करता है ना दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई साहब इसका आवाज़ सुन करके। और जो मॉडिफाई सब करवाता है ना साउंड वगैरह, तो मतलब उसका कुछ मज़ा नहीं आता भाई साहब, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है जो मॉडिफाई होता है, तो मज़ा नहीं आता, जो मज़ा ओरिजिनल का मज़ा ना हो वो डुप्लीकेट मज़ा नहीं है। फाइनली दोस्तों अब धनसार पार करने वाले हैं, अब कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाएंगे। इसी तरह का वीडियो रोज पाने के लिए तो आप लोग चैनल में सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लें, हमेशा इसी तरह आप लोग प्यार बरसाए रखें, ताकि आप लोगों को हमारे राइडिंग हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। ये देख चाची को, मतलब इतना हड़बड़ी मचा हुआ रहता है ना, थोड़ा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग, तुरंत पार कर जाना है। यार अभी तो हमको पूरा झारखंड ही कवर करना है पूरा राइडिंग करके, क्योंकि जॉब भी करना है साथ साथ में, राइडिंग भी करना है, ट्रैवलिंग भी करना है साथ में, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि भाई ट्रैवलिंग से जितना मैं प्यार करता हूँ उतना जॉब से भी प्यार करता हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, अगर ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो हमारा ज़िंदगी अधूरा है, एक कहावत है, कहावत तो भुला गए फिलहाल, पेट में था बट मुंह से नहीं निकल रहा। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो सोचो वो करो, जैसे मैं जो सोचता हूँ करता हूँ, चाहे वो थोड़ा लेट ही क्यों ना हो बट करूँगा, क्योंकि अगर सपना नहीं देखेंगे तो उसे पूरा नहीं कर सकेंगे, सिंपल सी बात है। सपना देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में, सपना नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी हर लोग जीता है बट पूरा हर कोई नहीं कर सकता है। ये देखिए अपना ऑफिस पहुंचने वाला हूं, यहां से टर्न लेंगे लेफ्ट, बस ऑफिस पहुंच गया हूं मैं भी, ऑफिस पहुंच गया हूं मैं भी। अब देखता हूं गाड़ी रखने का जगह, क्योंकि इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है फिलहाल। चलो पूरा जगह खाली है,
जगह है जगह है जगह है जगह है जगह है जगह है जगह है। ये देखिए हमारा दोस्त लैब, ये हमारा लैब है, पहुंच गए अपना लैब। गर्मी से तो पूरा भींग गया हूँ। ये देखिए हमारा गाड़ी गाड़ी, ये देखिए सारा जैकेट उतार लेता हूँ, मिलता हूँ ब्रेक के बाद।